नमस्ते इंजीनियर्स, आपका सिविल जनरेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ लोडिंग फॉर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन फॉर क्यूब टेस्टिंग यह सीखने वाले हैं। यह हम IAS 516 के आधार पर सीखेंगे। यह जानकारी बहुत जरूरी है, यह हर एक इंजीनियर को आना चाहिए। IAS कोड 516 में रेट ऑफ लोडिंग 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट दिया है। उसे हमें किलो न्यूटन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। यह हम इसलिए करते हैं कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जो है वो किलो न्यूटन पर सेकंड में लोड देती है। यह ध्यान रखो कि रेट ऑफ लोडिंग क्यूब के साइज पर डिपेंड होता है। अलग अलग साइज के क्यूब का रेट ऑफ लोडिंग अलग अलग होता है। आज हम 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर क्यूब के लिए सीखेंगे। 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर क्यूब के लिए रेट ऑफ लोडिंग 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। इसको हम किलो न्यूटन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 140 × 15 × 15 करेंगे, उसका आंसर 31,500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम 31,500 को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से इंटू करेंगे। एक किलोग्राम मतलब 9.81 न्यूटन होता है। अब 309,015 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आया, इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। एक हजार से डिवाइड करने के बाद 309.015 किलो न्यूटन पर मिनट आया। अब इसे किलो न्यूटन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमें 5.15 किलो न्यूटन पर सेकंड रेट ऑफ लोडिंग मिल जाएगा। 5.15 या 5.2 या 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर कंक्रीट क्यूब के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का रेट ऑफ लोडिंग था। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट में बताओ, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किस चीज की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बता दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो।